हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के बारे में। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या क्या रखा गया है, कितने पद हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। अभी तक सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले प्रेस करना, इससे जो है अपडेट मिलती रहेंगे चैनल से। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो अपने में निकल रखी है। इसके लिए कैसे आवेदन करना वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी किसके लिए आ रखी है। यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी जो है डिटेल आपको देखते हैं यहाँ पर। RPO हल्द्वानी फॉर द आउटसोर्सिंग, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22 दिसंबर को अपडेट है वहाँ पे है। और पहली पोस्ट यहाँ पर आ रखी है आपकी उधमसिंह नगर में, जो कि उत्तराखंड में, जो आपका वन विकास यहाँ पर खनन नंदौर है वहाँ पर निकल के आ रखी है गनमैन की। 4 पोस्ट यहाँ पर है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपके पास जो है डिस्चार्ज बुक कंपल्सरी यहाँ पर रखा गया है और ये जॉब प्लेस रहेगा नंदौर में। दूसरी पोस्ट है आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में निकल रखी है, उत्तराखंड में, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड सेंटर हाई कोर्ट, और यहाँ पर कैंपस नैनीताल में निकल के माली की 1 पोस्ट है। इसमें यहाँ पर जो है आपके पास 3 वर्ष का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गार्डनर की पोस्ट पर, और यहाँ पर आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए हिंदी। नैनीताल में यहाँ पर जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट भर्ती है पिथौरागढ़ जिले में, और ये है आपका जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ में। जेई की पोस्ट निकल के आ रखी है, सिविल की 8 पोस्ट यहाँ पर है। अगर आपने बी टेक कर रखा है और पॉलिटेक्निक कर रखा है सिविल इंजीनियर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्लेस रहेगी आपकी पिथौरागढ़ में। और यहाँ पर वैकेंसीज़ का जो ब्यूरो है इस तरह से देखा है, 8 पोस्ट टोटल हैं। इसमें SC की 1 पोस्ट है, वुमेन SC की 1 पोस्ट है, मैन और OBC की 1 पोस्ट है, और उसके बाद महिला 2 पोस्ट है, और यहाँ पर सिविल के 3 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जिला राज पंचायत अधिकारी चंपावत JEE की सिविल की पोस्ट निकल रखी है, 4 पोस्ट इसमें भी हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका वही है, BTech या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग सिविल में कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब प्लेस भी आपका चंपावत में रहेगा। 4 पोस्ट निकल के आ रखे, 1 तो OBC के लिए है, 3 जनरल के लिए पोस्ट रखी गई हैं। और उसके बाद अल्मोड़ा जनपद में भी आपका यहाँ पर जिला राज पंचायत अधिकारी अल्मोड़ा में निकल के आ रखी है JEE सिविल की, 11 पोस्ट निकल के आ रखी है। इसमें आप BTech कर रखे हो या BEd या सॉरी पॉलिटेक्निक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा जॉब प्लेस रहेगा। 11 पोस्ट हैं इसमें टोटल, SC की 2 पोस्ट हैं, OBC के 2 हैं, EWS के 1 है, और 3 जो है यहाँ पर सिविल, 6 जो है सिविल की पोस्ट हैं यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है इन पदों के लिए। हल्द्वानी वाला आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आपका यहाँ पर रहेगा जो कि उपनल, ठीक है, सिलेक्ट हल्द्वानी एट द रेट जो कि RedRedEDIEEFMAIL.com, ठीक है, इस तरह का है। तो यहाँ पर आपको मेल करना है अपने डॉक्यूमेंट आपको PDF बना के। सबसे पहले तो आपको उपनल के यहाँ ऑफिस साइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ और उपनल के रजिस्टर पर यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप जो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे, उसको फिर यहाँ पर सेंड करना है। अब उसके साथ अपना जो बायोडाटा वो भी इस ईमेल के सेंड करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए।